सो हे गाइस, क्या हाल चाल है? और उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छा और वो बढ़िया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके पोको एफ1 डिवाइस के लिए लाया हुआ एक ऑक्सीजन ओएस का एक बढ़िया सा थीम। तो दोस्तों, ये जो थीम है इसमें कंट्रोल सेंटर में भी हमें चेंजेस वगैरह दिखाई देते हैं। अच्छे खासे चेंजेस हमें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का जो टाइल्स वगैरह है दोस्तों, उनका जो कलर है यहाँ पर रेड हो चुका है। कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर दोस्तों दिखाई देता है इस थीम के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम जाते हैं हमारे डिवाइस के सेटिंग्स में, तो यहाँ पे जो है हमें कुछ इस तरीके के आइकॉन्स दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे लुक हमारे डिवाइस को देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ कि ये जो थीम है डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो अभी तक डार्क मोड यहाँ पर इनेबल किया था। सो ये जो मोड है, ये जो थीम है, डार्क मोड को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो दोस्तों, एक नॉर्मल सी लॉक स्क्रीन हमें इस थीम के साथ देखने को मिलती है। सो गाइस, उसके बाद हम अगर बात कर लेते हमारे डायलर पैड की, तो कुछ इस तरीके का जो है हमें यहाँ पर डायलर पैड देखने को मिलता है। एक जो हमें यहाँ पर रेड कलर्स के यहाँ पर सभी नंबरिंग वगैरह दिखाई देते, तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर डायलर पैड देखने को मिलता है। सो उसके बाद जो है गाइज, हमारे यहाँ पोको F1 डिवाइस का ऐप ड्रावर, तो कुछ इस तरीके का ऐप ड्रावर हमें इस थीम के साथ देखने को मिलता है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कौन सा ये थीम है, किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो गाइज, सबसे पहले आपको जाना है आपके डिवाइस के थीम स्टोर में, और थीम स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ऑक्सीजन। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ऑक्सीजन। तो जैसे आप यहाँ पे ऑक्सीजन सर्च करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स वगैरह दिखाई देंगे। उनमें से जो आपको ये रिज़ल्ट है दोस्तों, ऑक्सीजन ओएस मॉड वाला V12 वाला, ये जो है सिंपली आपको आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली उसको इंस्टॉल किया है दोस्तों। जैसे हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं, तो हमें कुछ यहाँ पर चेंजेस करने हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में जाना है, और हमारा जो ऐप ड्रॉअर का ये ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको जाना है। और बाद में आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ये जो दोस्तों यहाँ पे हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली आपको उस ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जो डार्क दिखाई देता है, डार्क मोड, सिंपली उसको क्लिक करना है। और यहाँ पर 25 जो परसेंटाइल है, उस पर आपको जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर सेट करनी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो वेब ड्रॉवर है यहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे ऐप को देख पाओगे। अदर देन दोस्तों, जो हमारा थीम बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें जो हमें यहाँ पे टोटल ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से ऐप जो है इजीली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम इजीली ऐप्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको जो यहाँ पर डार्क मोड सेलेक्ट करके थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है चेंज कर लेनी है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इस तरीके का लुक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का थीम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थीम पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।